सहारनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन टूनी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो पूरी तरह से घोंसले की मरम्मत भी नहीं हुई है और बारिश होने लगी। टुनटुनी तू जल्दी से घोंसले के अंदर चली जा, नहीं तो तू भीग जाएगी और तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टुनटुनी घोंसले के भीतर चली जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन बारिश नहीं रुकती। माँ तुम भी अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगी, इतनी बारिश में डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। इस तरह दो दिन बीत जाते हैं लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, मैं बाहर जाकर राशन के इंतजाम करती हूँ। पता नहीं अभी कितने दिनों तक और बारिश होगी, तुझे भी भूख लग रही होगी। लेकिन माँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम कैसे जाओगी? तो मेरी चिंता मत कर टुनटुनी, भोजन का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, बस पास वाले सुंदर काका की दुकान से राशन लेकर अभी आ रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो चारों तरफ पानी भर गया है। टूनी चिड़िया किसी तरह सुंदर काका की दुकान तक पहुँचती है। अपनी दुकान के बाहर सुंदर उदास बैठा था। सुंदर काका, अरे सुंदर काका मुझे जल्दी से राशन दे दो, बारिश बहुत तेज है और टुनटुनी घर पर अकेली है। तुझे दिख नहीं रहा मेरी खाली दुकान? मेरा सारा राशन पानी में बह गया, थोड़ा बहुत बचा है वो मैंने अपने खाने के लिए रखा है। टुनी खाली हाथ वापस घर लौट जाती है। मम्मी भूख लगी है, पेट दर्द कर रहा है, मुझे कुछ भी खाने को दो। हाय रे मेरी बच्ची, मुझसे तो तेरा रोना देखा नहीं जा रहा है। हे भगवान, मेरी बेटी रो रही है और भूखी है, इस बारिश में मैं अपनी बेटी के लिए कहाँ से भोजन की व्यवस्था करूँ? तभी उसके घोंसले के बाहर हरी तोती आती है। अरे ओ टूनी, ये ले कुछ भुट्टे, मैं तेरे और तेरी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। ये भुट्टे तो इतनी बारिश में कहाँ से लेकर आई है हरी बहन? ये भुट्टे मैं अपने खेत से तोड़ कर ला रही हूँ, सोच इतनी बारिश में तू कहाँ से खाने के इंतजाम करेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरी तोती, जो तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। फिर दोनों माँ बेटी भरपेट भुट्टा खाती है और सो जाती है। अचानक आधी रात को टूनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और दोनों माँ बेटी पानी में गिरकर बहने लगती है। बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। किसी तरह उसके पड़ोसी उसे बचाते हैं और अपने घोंसले के अंदर ले जाते हैं। क्या बताऊँ चंपा बहन, मैं अपने घोंसले की मरम्मत सही समय पर नहीं कर पाई, इसलिए इस बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। अगर आज आपने नहीं बचाया होता तो हम लोग तो मर ही गए होते। ऐसा मत कहो टूनी बहन, बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है। मेरी बहू आज अंडा देने वाली है, इसलिए मैं उसकी देखभाल कर रही थी, तभी तुम लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और मैं जल्दी तुम लोगों के पास आ गई। रुको मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। चंपा कौवी उन दोनों को चाय बनाकर देती है। थोड़ी देर बाद चंपा कौवी की बहू अंडा देती है, फिर सभी सो जाते हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कई दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे बाढ़ का पानी चंपा कौवी के घोंसले में घुस जाता है और उसमें उसकी बहू का अंडा बहने लगता है। माँ जी जल्दी उठिए, वो देखिए मेरा अंडा पानी में बह रहा है। क्या हुआ बहू, तू क्या कह रही है बहू? तो घबरा मत, मैं अभी तेरे अंडे को ढूंढ कर लाती हूँ। चंपा बहन जल्दी चलो, अभी अंडा ज्यादा दूर बहकर गया नहीं होगा। टूनी चिड़िया चंपा कौवी के साथ अंडे को ढूंढने के लिए जाती है। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी, उससे अंडा दिखाई दे जाता है। वो जल्दी से अंडे को उठाती है और घर लेकर आती है। ये ले बुलबुल बहू, तेरा अंडा। अपने अंडे को सही सलामत देखकर बुलबुल चिड़िया खुश हो जाती है। थोड़े दिनों बाद बारिश रुक जाती है, फिर टूनी चिड़िया अपना नया घोंसला बनाती है। फिर टूनी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी देवर और देवरानी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौआ शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। टुनटुनी की शादी को 5 साल गुजर गए थे लेकिन अभी तक उससे कोई बच्चा नहीं था। इस बात को लेकर कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया से नफरत करने लगा था। एक दिन कालू कौए का दोस्त टुन्नू चिड़ा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे भाई कालू,
आप बनने की खुशखबरी कब दे रहे हो? 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा लगता है तुझ में तो बाप बनने की ताकत ही नहीं है। अपनी दोस्त की ऐसी बातें सुनकर कालू को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सीधा शराब की दुकान पर जाता है और शराब पीकर नशे में धुत अपने घर आता है। ये क्या है जी, आज आप शराब पीकर घर आए हैं? कब से आपने शराब पीना शुरू कर दिया? ये शराब हमारी खुशियों में आग लगा देगी। चल हट तू कुलचनी, अपने कमाई के पैसों की पी रहा हूँ, तुझे इससे क्या? और तू किस खुशी की बात कर रही है? आज तक तूने मुझे कौन सी खुशी दे दी है? शादी के 5 साल हो गए, तू मुझे एक बच्चा तक नहीं दे पाई। मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, इसका तुझे अंदाजा भी है? तू बांझ है बांझ। इतना कहकर कालू कौआ वहीं बिस्तर पर सो जाता है। अपने पति की जली कटी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी देवरानी टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ दीदी, आज भैया आप पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? क्या बताऊं टूनी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। शादी कितने साल हो गए लेकिन अभी तक मैंने कोई संतान का सुख नहीं दे पाई। तू ही बता इसमें मेरी क्या गलती है? बच्चा देना तो ऊपर वाले के हाथ में है, पता नहीं भगवान मुझसे क्यों रूठे हुए हैं। टुनटुनी भाभी आप चिंता मत करिए, देवी माँ ने चाहा तो आप जरूर माँ बनेंगी। तुझे पता है टूनी, आज से इन्होंने शराब पीना भी शुरू कर दिया है। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन टूनी चुड़िया टुनटुनी के पास आती है और उसे खुशखबरी देती है। भाभी मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है टूनी, अब इस आंगन में तेरे बच्चे की किलकारी गूंजेगी। तो रुक मैं तेरा मुंह अभी मीठा कराती हूँ। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। रात को जब कालू कौआ घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया उसे ये बात बताती है। सुनो जी, इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। क्या कहा तूने, फिर से तो कहना। क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मैं नहीं टूनी माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही कालू आग बबूला हो जाता है। कर्म जली, मुझे पहले ही पता था तू कभी माँ नहीं बन सकती। रुक मैं तेरी चमड़ी अभी उधेड़ता हूँ। इतना कहकर कालू टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगता है। तभी टूनी चिड़िया अपने पति के साथ वहाँ आ जाती है और कालू के हाथ से डंडा छीन कर फेंक देती है। आप ये क्या कह रहे हैं भैया, आप भाभी को इस तरह क्यों पीट रहे हैं? आज नहीं तो कल बच्चा हो ही जाएगा, लेकिन इस तरह आप शोर मचाएंगे तो कैसे काम चलेगा? भाभी चलिए आप यहाँ से। टूनी चिड़िया उसे कमरे में ले जाती है। भाभी मेरी बात तो मानिए, आप देवी माँ की पूजा करना शुरू कर दीजिए, देवी माँ जरूर आपकी सूनी गोद भरेंगी। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया देवी माँ की पूजा करना शुरू कर देती है। इस तरह एक महीना गुजर जाता है और देवी माँ की कृपा से टुनटुनी चिड़िया माँ बन जाती है। देवी माँ आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने मेरे टूटते हुए घर को बचा लिया। आपकी कृपा से आज मेरी सूनी गोद भर गई और अब से मेरा घर भी बच्चे की किलकारियों से भर जाएगा। बच्चे को पाकर कालू कौआ भी खुश हो जाता है। वो शराब पीना छोड़ देता है और अपनी गलती की माफ़ी टुनटुनी चिड़िया से मांगता है। टुनटुनी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। टुनटुनी चिड़िया अपने पति को माफ कर देती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के बेटे बड़े बड़े ऑफिस में काम करते थे, फिर अपनी सारी कमाई अपनी माँ के हाथों में देते थे। एक दिन बड़ी बहू टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, क्यों जी दिन भर घर का सारा काम करें हम और पैसे लेंगी वो माँ जी। कान खोल कर सुन लो, अगले महीने से सारे पैसे लाकर मुझे देना। एक एक पैसे के लिए माँ जी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अगली बार से पैसे मैं तुम्हें ही लाकर दूंगा। अगर माँ कुछ कहेंगी तो मैं उन्हें समझा दूंगा। अगले महीने से टुनटुनी अपने पति की सारी कमाई खुद रखने लगती है। उसकी देखा देखी छोटी बहू पिंकी चिड़िया भी अपने पति से पैसे की डिमांड करती है। पिंकी चिड़िया की बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है। वो पिंकी चिड़िया पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू तू पैसे लेकर क्या करेगी, आज तक तो तूने कभी पैसे नहीं मांगे, आज तुझे क्या हो गया? चुप हो जा बुढ़िया, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ, अपने पति की कमाई पर मेरा हक है। पिंकी बहू मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे डांटेगी। चल अब बहुत हुक्म चला लिया, अब जा और जाकर घर का काम कर।
अपनी सास की बातें सुनकर पिंकी चुड़िया रोने लगती है। माँ जी, आप केवल मुझे ही डांट रही हैं। बड़ी भाभी टुनटुनी को कुछ नहीं कहती, वो भी तो अपने पति की सारी कमाई रखती हैं। पिंकी बहू, अगर टुनटुनी करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू भी वही गलती करे। फिर टूनी चुड़िया पिंकी चुड़िया के हाथों में झाड़ू पकड़ा देती है। अब रोना धोना छोड़, जाकर कमरे की सफाई कर। पिंकी चुड़िया चुपचाप कमरे की सफाई करने लगती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टोनी की बहू भूरी इसके पास आती है। माँ जी, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे कमरे में एसी लगवा दीजिए। तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है डेली का बिल कितना आ रहा है? ये हाथ वाला पंखा इसी से अपना काम चला, और ये एसी वेसी के सपने देखना छोड़ दे। भूरी मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। एक दिन टुनटुनी चुड़िया की सहेली चंपा कौवी उसके घर आती है। अरे टुनटुनी, जरा एसी चला, बहुत गर्मी हो रही है। क्या बताऊं चंपा बहन, मेरी सास तो एसी लेने ही नहीं देती, दिन भर बस चिक 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 करती रहती है। कैसे अपनी सास से पीछा छुड़ाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टुनटुनी, तू मेरी एक बात मान, तू किसी तरह अपनी सास को इस घर से बाहर निकाल दे। तभी टूनी चुड़िया किसी काम से टुनटुनी के घोंसले में आती है और टुनटुनी की सहेली की बातें सुन लेती है। टुनटुनी बहू, तुम्हारी ये सहेली कैसी सलाह दे रही है? इसे जल्दी इस घर से जाने के लिए कहो, और आगे से तुम इससे मेल जोल नहीं रखोगी। माँ जी, मेरी सहेली यहाँ से नहीं जाएगी, आपने मेरी सहेली की बेइज्जती की है। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। उन दोनों के बीच बहस होते देखकर टुनटुनी की सहेली चंपा वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी की सहेली की जाने के बाद टूनी चुड़िया टुनटुनी को पीटने लगती है। कमबख्त, मैं देख रही हूँ आजकल तेरी जुबान बहुत चल रही है, चल निकल घर से, तूने मेरे ऊपर बहुत हुक्म चला लिया। टूनी चुड़िया टुनटुनी को घर से बाहर निकालने लगती है। तभी मीठी तोती आकर अपनी सास से रोते हुए कहती है। माँ जी, टुनटुनी भाभी को घर से बाहर मत निकालिए, वो कहाँ जाएंगी? इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अरे बाप रे, आज तो माँ जी का गुस्सा सातवें आसमान पर है, आज तो शांत रहने में ही भलाई है। बढ़िया ही माफ़ी मांगने वाली, तुझे इस टुनटुनी पर दया आ रही है तो तू भी इसके साथ चली जा। इतना कहकर टूनी चुड़िया मीठी तोती को भी पीटने लगती है। वो मीठी तोती को भी घर से बाहर निकाल देती है। भूरी चुड़िया सास का ये रूप देखकर अपने पति कालू को फोन लगाती है। हेलो, अरे सुनिए, आप जल्दी से घर आ जाइए, माँ जी आज बहुत गुस्से में है, वो भाभी को घर से बाहर भगा रही है। भूरी की बातें सुनकर उसका पति कालू जल्दी जल्दी घर आने लगता है। तभी उसे रास्ते में टुनटुनी भाभी और मीठी जाते हुए दिखती है। वो उन्हें लेकर वापस घर आता है। ये क्या, तुम दोनों गई नहीं? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर एक कदम घर में घुसाया। अपना काला मुंह लेकर वापस जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। माँ जी, आप शांत हो जाएं, बात तो बताएं क्या हुआ है। इन दोनों की जुबान बहुत तेज हो गई है, अपनी सास पर हुक्म चलाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इन्हें घर से निकाला है। बंटी कबूतर और हरिया तोता माँ जी से माफ़ी मांगते हैं और टुनटुनी चिड़िया और मीठी तोती दोनों अपनी सास से माफ़ी मांगती हैं। इतना सब देखकर टूनी चिड़िया का गुस्सा शांत हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया और मीठी तोती के साथ जो हुआ ये सब देखकर बाकी बहू भी सुधर जाती हैं और सभी माँ जी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है।